नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ब्लॉग छांसी वाले में। तो आज हम आप लोगों को लेकर चलने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर से हिल स्टेशन पर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसका नाम है पंचमणि। तो सबसे पहले इसकी सफारी करने से पहले हम लोग देखते हैं एक जिप्सी और एक दो फोटो भी खींच लेते हैं, और यही जिप्सी अब हम लोगों को पूरे पंचमणि का टूर कराएगी। तो सबसे पहले हम लोग निकल चलते हैं वाइजन लॉज की तरफ, जहाँ पे हम लोग को परमिट लेना पड़ेगा पंचमणि के जंगल में जाने के लिए और भी सारी चीज़ें घूमने के लिए। तो हम लोग फाइनली पहुँच जाते हैं वाइजन लॉज, जहाँ पर पहुँच कर हम लोग कुछ फोटोग्राफी भी कर लेते हैं। हमारे ड्राइवर सनी भाई हैं, यहाँ से हम लोग को गाइड भी मिल जाता है। दोस्तों, गाइड मिलने के बाद फिर से हम कुछ फोटोग्राफी करते हैं और वाइजन म्यूज़ियम भी है यहाँ पर, तो उसमें भी जाके हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और फोटोग्राफी करते हैं और निकल पड़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। पड़ाव से पहुंचने से पहले रास्ते में भी हम भी काफ़ी शरारतें और फोटोग्राफी का मजा लेते हैं। भाई काफी जहर रोड है यार, जहर रोड का सामना करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन जटाशंकर टेम्पल की तरफ, जहां पर हम लोग भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं और भोलेनाथ की चीज़ों के साथ कुछ फ़ोटो भी खींचते हैं, जैसे त्रिशूल। और काफ़ी अच्छा मंदिर था, पहाड़ के अंदर बना हुआ है। और इसके बाद फिर निकल चलते हैं आगे की ओर। तो रास्ते में भी हम लोगों को बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी मिलती है, वहाँ पर भी हम लोग फ़ोटो खिंचाते हैं काफ़ी। दोस्तों, फोटो खिंचाने के बाद हम लोग फिर बढ़ चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर अपनी जिप्सी लेकर। पहाड़ों वाला रोड था, काफी अच्छा रोड है। और फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं महादेव टेंपल, जहां पर हम लोग दोबारा से भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने वाले हैं। ये भी बहुत पुराना मंदिर था यहाँ का, और आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट रहेगा बी फॉल, यहाँ पर गाइड हमें गाइड करेंगे और राहुल बताएगा सारी चीजें। भैया हम आ गए पंचमणि में बी फॉल में, ज्यादा पुरानी नहीं है ये जो क्यों मेन बी फॉल किधर है, वो नीचे की ओर है, नीचे ही है ना। हाँ, पानी 24 महीने गिरता है, 12 महीने चले चलो नीचे चलते हैं, आओ नीचे चले। 150 फीट कैट से गिरता, गिरने के बाद चट्टानों में टकराती है, बोछार बनती है, बोछार बनती है। भाई ये बी फॉल है पंचमणि में, हमारे लड़का जी अभिषेक मना कर रहा है जाने के लिए। राहुल सर क्या बोलते हो भाई, डेमोक्रेसी है ये, राहुल सर आपने बोटिंग होगी बोटिंग। आशु भाई क्या बोलते हो, आशु जरा पकड़ना इधर कैमरा पकड़ो, वीडियो बन रही है। ये देखो हमारे बिहार राहुल भाई, हमारे लौटे जा रहा, मैं तो नहीं 1 साल के लौटे भाई, गिव अप कर रहा है। जिम जाने वाला लौटना कह रहा है नहीं जाऊंगा मैं वहाँ। कौन कौन जाना चाहता है भाई, जाएगा मैं जाऊंगा, मैं नहीं जा रहा भाई। मैं बीजे भाई का देखो भाई चेहरा, देश का स्वास्थ्य खराब हो गया है इतने भाई इनका, देश का युवा। आशु भाई को देखो, आशु भाई तो रेडी है कुछ भी कर लो, हम जाएंगे। राहुल भी रेडी, राहुल दो पैकेट सलाद ले लिए वाले हैं भाई। अच्छा राहुल फॉल देखने जाएंगे, भाई हमारे लौंडे आ गए हैं भाई भीम बेटिका की गुफाओं में। एक बार आए बोल दो भाई, इंट्रो दे दो अपना अपना। आशु भाई तो उससे पैसे दिएगा हम आ गए हैं पांडवों की गुफाओं में महाभारत काल में, ट्रिप में मैं ही कैमरा ले। हाँ रुक जाओ, विजय कैमरा तू पकड़ लेना, ब्लॉग बना दे आगे से हमारे साथ, उल्टा होगी सर। अब हम आ गए हैं भीम बेटिका की गुफाओं में, देखेंगे भाई कैसे। हाँ, हाँ, ये अज्ञात बात वाला हिंदी वाला सीन है इसी में भैया, पांडव द्रौपदी यही पे भाई, पांडव सब द्रौपदी के साथ अज्ञात बात किया था उन्होंने। कितने साल के लिए, वो 14 साल के लिए गायब, कोई देख नहीं सकता। पहाड़ों के बीच में है यही वो जगह, दिखाओ देख। हाँ बंदर नहीं है, आदमी। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब एक वर्ष के अज्ञातवास के लिए पांडव लोग गए थे, तो यहीं पे उन्होंने अपना एक वर्ष का अज्ञातवास भी पूरा किया हुआ था। तो इसके बाद गाइड भैया भी हम लोगों को कुछ यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। अब फिलहाल हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं इस समय, क्योंकि हम लोगों ने आधे से ज़्यादा पंचमणि घूम लिया था। कुछ स्पॉट रह गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं जंगल की ओर। रास्ते में हम लोग वाइजन और उसका एक बच्चा भी दिख जाता है, जो कि बहुत कम लोगों को दिखता है। और हम लोग फाइनली जंगल में पहुंचकर टाइगर को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। देखो हमारे अभिषेक भाई और राहुल भाई किस तरह से टाइगर को चारों तरफ ढूंढते हुए
लेकिन हम लोगों को टाइगर तो नहीं मिलता है, और इस बार तो हम लोगों को टाइगर के पंजे भी नहीं मिलते हैं जो कि जिम कॉर्बेट में मिल जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा यह सफ़र यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स झांसी वाले। थैंक यू सो मच गाइज।